आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बोआल मछली। इसके लिए जो सामग्री की हमको रिक्वायरमेंट है वो है बोआल माछ मछली। इसको अच्छे से मैंने धो के फ्रेश करके लिया हुआ है। इसके साथ आपको चाहिए धनिया पत्ती, हरी मिर्च और साथ में आपको चाहिए प्याज, और चाहिए आपको सरसों के दाने और अदरक छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, नमक, हल्दी और सरसों का तेल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मछली में नमक हल्दी मिला लें और साथ ही साथ इसी वक्त में आप कढ़ाई बैठा दें, तेल गर्म होने के लिए आप डाल दें और इसमें आप डाल लें मछली में नमक और हल्दी और साथ में आप थोड़ा सा इसमें सरसों तेल डाल लें, क्योंकि ये बोआल मछली है तो वरना बहुत ज़्यादा तेल में डालने के बाद ये फूटता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग मछलियों को हल्का फ्राई करें। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम लोग ये जो सरसों के दाने थे, सरसों के दाने, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और इन अदरक के टुकड़ों को और साथ में ये प्याज, ये सबको डाल के एक महीन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गई है, अब इसमें हम लोग मछली डाल देंगे। और इसको ढक के ही फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूटता है तो बिना ढके अगर करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। एक तरफ जब फ्राई हो जाएगी तो हम लोग दूसरे तरफ पलटा के भी इसको फ्राई कर लेंगे। अब एक तरफ फ्राई हो गई है तो इसको दूसरे तरफ के लिए पलटा देंगे और दूसरे तरफ भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं मछली अच्छे से फ्राई हो गई है, हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम लोग बाकी की मछलियाँ भी फ्राई करके निकाल देंगे। इस बीच हम लोग जो पेस्ट बनाने के लिए रखे हुए हैं उसको भी पीस के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी मछलियां फ्राई हो गई हैं। अब उसी तेल में, अगर आपको तेल थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है तो एडिशनल ऑयल आप इस वक्त डाल लें। अब इसी तेल में ही हम लोग थोड़ा सा, आपको एक स्पेशल बता रही हूँ, इसमें आप थोड़ा सा ना प्याज का तड़का लगा ले, ये एडिशनल है, आप चाहे कर सकते हैं और फिर भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी बीच हम लोगों ने ये पेस्ट भी बना के रख लिया है, जो प्याज, अदरक, हरी मिर्च और सरसों को डाल के हम लोगों ने बनाया है। अब हम लोग इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। उसको तेल छोड़ते तक का अच्छे से भूनेंगे। इसमें आप नमक हल्दी सब चीज शेक कर लेंगे। इसी समय आप इसमें नमक हल्दी सब चीज डाल लें। मैं सामान बर्बाद नहीं करूंगी, इसी कारण से जो एडिशनल जिसमें हम लोगों ने वो मसाला को पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसको भी डाल दूंगी। और इसमें अगर आप चाहें, आप तीखा अगर ज़्यादा खाते हैं तो इस समय आप थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैं पूरा एक्स्ट्रा जो था उसको भी पानी में घोल के इसमें मिला ली और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे।
इसको रहेगा कि बीच बीच में चलाते रहें और चलाते हुए अच्छे से इसको हमको भूनना है। आप देखेंगे एक बहुत खूबसूरत सी एक एरोमा रिलीज होगी इस समय। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे नानी माँ की रेसिपी है। इसको तेल छूटे तक का बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गई है, तेल ऊपर बाहर तरफ फैलने लग गया है। अब इस समय हम लोग इसमें जो मछली हम लोगों ने फ्राई करके रखी हुई है वो सारे इसमें डाल देंगे। सारी मछलियाँ डालने के बाद इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे और पानी डाल देंगे। हल्के हाथों से इसको हम लोग पूरे मछली में मिला लेंगे। नरम मछली है तो बहुत ज्यादा तेज चलाइएगा मत, बहुत हल्के हाथों से मिलाइए इसको और इसको उबाल आने तक के इंतजार करिए। अच्छे से जब ये खोल जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इसको ढक दीजिए। आप देख सकते हैं मछली करीब बन के तैयार है, पानी भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो धनिया पत्ता हम लोगों ने चॉप करके रखा हुआ है वो धनिया पत्ता। इसमें धनिया पत्ता का जो क्वांटिटी है थोड़ा ज़्यादा जाता है तो आप भी थोड़ा ज़्यादा करके ही डालें। धनिया पत्ती डालने के बाद आप 2 मिनट इसको उबाल लें और अब बनके तैयार है आपकी बोआल मछली सरसों के साथ। अब इसको निकाल लें और गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ इसको सर्व करें। लीजिए बनके तैयार है आपकी बोआल फिश, इसको स्टीम राइस के साथ आप सर्व करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।